News 18, India. और बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञान वापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की भी शुरुआत कर ली गई है। आम लोगों के लिए झरोखा खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है। तो जिस तरीके से वाराणसी की जिला कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए थे, तहखाने को अब खोल दिया गया है। आम लोगों के लिए भी झरोखे को खोला गया है और आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तहखाने में यहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमय है। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, आनंद की अनुभूति, बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और इसीलिए हम उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया। जब से ये आज व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम-बम बोल रहा है। वहीं ज्ञान वापी के तहखाने पर शुरू हुए पूजा पाठ पर बीजेपी के नेताओं ने खुशी जाहिर कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि मंदिरों को तोड़कर विदेशी हमलावरों ने उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अब आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए कब्जे वाले इलाकों को खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को छोड़ देना चाहिए। बहुत साफ है, इतिहास में बहुत चीजें लिखित नहीं है, पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी, वो पीढ़ी चली गई। पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है। देखिए, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुआ है, निश्चित वो बधाई के पात्र है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उसमें जो हिंदू पक्ष है अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो भी हमारे आस्था के केंद्र थे, जिन पर हमलावरों ने, जो लोग हमारे देश पर हमला करने आए, हमारे देश को लूटने के लिए आए, कतलेआम करने के लिए आए और हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़कर बनाया गया, अब धीरे धीरे पहले राम मंदिर जी का हुआ, ज्ञान वापी जी का हुआ और आगे भी होगा। तो हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन भी पूजा यहां पर हो रही है। ज्ञान वापी परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। जिस तरीके से यहां पर जिला कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए थे कि तहखाने को खोल दिया जाए, कल हमने देखा कि किस तरीके से पुजारियों ने यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद आज दूसरे दिन आम लोगों के लिए तहखाने को खोल दिया गया है। व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन भी पूजा पाठ हो रही है। ज्ञान वापी परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है। श्रद्धालु यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। नंदी के ठीक सामने जो आपको बता दें तहखाना है, वहां पर जो है पूजा पाठ करने की अनुमति हिंदू पक्ष को दे दी गई है। 1993 के बाद से यहां पर पूजा पाठ बंद हो गई थी और सोमनाथ व्यास जी जो परिवार है वो यहां पर पूजा किया करता था। आप देखिए कि कितना उत्साह जो है, जोश यहां पर श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। ये आज की तस्वीर है, आज देखिए कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि एक मुराद थी बरसों से कि तहखाने में वो पूजा पाठ कर पाए और यही वजह है कि बड़ी तादाद में अब श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद में ज्ञानवापी परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। ज्ञानवापी में हर कोई हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा है। मंगला आरती यहां पर हुई है, उसके बाद देखिए किस तरीके से तहखाने के अब दर्शन भी जो है आम जनता कर पा रही है। कल पुजारियों की तरफ से यहाँ पर पूजा की शुरुआत की गई थी। बाकायदा 7 दिनों तक व्यवस्था जो है दुरुस्त करने के आदेश दे दिए गए थे। अब आज इसलिए भी खुशी की बात है क्योंकि आम जनता भी आज ज्ञानवापी परिसर में तहखाने के दर्शन कर पाएगी, वहां पर पूजा पाठ कर पा रही है।
और अब ज्ञानवापी परिसर में 30 साल के बाद शुरू हुई पूजा के बाद अब मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लगाने की जद्दोजहद में भी जुटा हुआ है। इसी से जुड़ी हुई और जानकारी क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद 31 जनवरी को रात को ही बताया गया कि पूजा पाठ यहां पर उसके बाद शुरू हो गया, लेकिन वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष भी आप देखिए सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिल सकी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई हो सकती है। ये इस पूरे मामले पर अभी अपडेट है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा गया और इसीलिए अब मुस्लिम पक्ष सारी जद्दोजहद लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष लामबंद होने लगा है। ब्याज जी के तहखाने में पूजा पाठ मामले में मुस्लिम समाज ने बनारस बंद का बड़ा ऐलान कर लिया है। अंजुमन इंजामिया कमेटी ने बंद का ये ऐलान किया है। इस दौरान मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, लोगों से शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज पढ़ने की भी अपील की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि साधु संतों और काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी का यह कहना है कि 1993 से पहले कर व्यासी जी तहखाने में पूजा हुआ करती थी। अब एएसआई की रिपोर्ट में भी परिसर में मंदिर होने के सबूत मिल गए हैं। ऐसे में हर किसी को उनका समर्थन करना चाहिए और परिसर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ही यह बड़ा फैसला सुनाया है। रखी नहीं गई है यह मूर्ति, सैकड़ों वर्षों से वहीं पे पड़ी हुई थी उपेक्षित अवस्था में। हम बाहर से कुछ भी नहीं ले जा सकते, न कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है कि इन्होंने, उसमें 8 दुकानें थी, इन्होंने हिंदुओं को दुकान दी थी। ये तो बड़े शरीफ ठहरे बेचारे कि हिंदुओं को दुकानदार भी बनाया। देश के किसी वक्फ के इलाके में हिंदू दुकानदार इनके वक्फ के संपत्तियों में नहीं होते, फिर भी ये कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हिंदू दुकानदार थे, वो मूर्ति बनाते थे, टूटी मूर्ति डाल दिए। दर्शन करने के बाद एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त हो रही है और इतने दिनों से यह स्थान बंद था, जिसके जो है दुखद परिणाम दिखाई दे रहे थे, आज सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने के बाद। और इनका नामकरण किया गया काशी विद्वत परिषद के द्वारा ज्ञानवापी तालगृह। इस तालगृह में विराजमान जो विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, हनुमान जी हैं, इसलिए आज से वहाँ अखंड रामायण का पाठ भी बैठा दिया गया है। भोग आरती शुरू हो गई है और सभी हिंदू भाइयों के लिए दर्शन, झांकी दर्शन प्रारंभ हो गई है। परिसर का एएसआई सर्वे करवाया गया। एएसआई सर्वे में जो प्रमाण सामने आए हैं उसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया, तहखाने को खोल दिया गया। लेकिन ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का ये कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि 1992-93 तक वहां पर पूजा पाठ होती थी, कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इस बार एक बार फिर से कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। 1992-93 तक उसमें वजू खाने के नीचे पूजा पाठ होती थी और उसके बाद में 93 में उसको रोक दिया गया और अब फिर कोर्ट ने इजाज़त दी है। तो अगर पूजा पाठ की कोर्ट ने इजाज़त दी है तहखाने के अंदर, तो कोई नई बात नहीं है। बात तो वही है जो 93 तक पूजा पाठ होती रही, और अगर अब जो है पूजा पाठ हो रही है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। और अब आपको ये भी बता दें कि पूजा का अधिकार मिलने के बाद हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसी को लेकर जब तहखाने को लेकर बहस छिड़ी हुई थी तो हिंदू पक्ष ने दावा क्या किया है ये भी जरा अब आपको समझाते हैं। हिंदू पक्ष का दावा ये है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक तहखाने में 1993 तक पूजा हुआ करती थी और नवंबर 1993 में वहां पूजा बंद करा दी गई और पूजा बंद होने के बाद वहां से पुजारियों को भी हटा दिया गया था। यह हिंदू पक्ष का दावा इससे पहले दिखाई दिया। और बीच आपको बता दें, ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम लीडर्स की आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर में होने वाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे। कल मुस्लिम लीडर्स की ज्ञानवापी मुद्दे पर बैठक भी हुई थी जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ। सर,
क्या बातचीत की गई है? काफी लंबी बैठक चली है ज्ञानवापी में, जिस तरह से वहाँ पूजा भी होने लगी है तहखाने में, क्या तय हुआ है सर? हम लोग 11:30 बजे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं अपनी अपना जो स्टैंड है वही उस दिन आपके सामने रखेंगे। सर कौन कौन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे और किस तरह का एक्शन होगा, क्योंकि हाईकोर्ट जाने की बात तो वहाँ इंतजामिया कमेटी कह चुकी है। इस सब तफसीलात में हम बात नहीं कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वो रहेंगे, मौलाना अरशद बंदी साहब रहेंगे, हकीम कासमी साहब रहेंगे, जमात इस्लामी के नायब अमीर रहेंगे और हम लोग रहेंगे। और इसी ज्ञानवापी परिसर में 30 साल के बाद अब पूजा की गई है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इस केस में अब तक हुआ क्या क्या है। 1991 में सबसे पहली बार ये मुकदमा दाखिल कर पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहले जैसी स्थिति बनाए रखने का आदेश आ गया था और फिर इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने तक बढ़ा दी थी और फिर उसकी अगले ही साल यानी कि 2019 में वाराणसी कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हो गई थी और फिर 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी थी। फिर 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया था। फिर 24 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया। फिर 25 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी की जिला कोर्ट ने तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी और यही सबसे बड़ी कड़ी इस पूरे केस में सामने आई। और ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट से सुनवाई का मौका दिए जाने की मांग की है। हिंदू पक्ष की तरफ से शैलेंद्र पाठक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी है। आपको बता दें मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसके बाद वो हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी गई।